तुफिल की फैमिली, ऐसा है ना कि आज की वीडियो में आपको डबल मजा आने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ ये 2K24 में जो बैकस्टेज में नए नए OMGs ऐड कर दिए हैं, वो सारे ही OMG मोमेंट्स तो मैं आपको एक एक करके आराम से दिखाऊंगा ही आज की वीडियो में, लेकिन इसके साथ साथ रोमन का एक ऐसा अटायर दिखाने वाला हूं ना कि उसको देखने के बाद ट्राइबल चीफ का हर एक फैन बोल देगा कि भाई रोमन का ना पूरा सेट कंप्लीट हो गया है 2K24 में। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये जो अटायर है ये 2K का ही बनाया हुआ है, लेकिन 2K ने इसको छुपा के रखा हुआ था, पर 2K की जो मॉडिंग कम्युनिटी उससे कुछ छुपता नहीं, उन्होंने ये अटायर को अनलॉक कर दिया और अभी आप कुछ देर में ये अटायर देखने वाले हो। तो आज की गेम प्ले में मैं रोमन बन के लोगन पॉल को बैकस्टेज में तरह तरह के न्यू OMGs दूंगा, और क्योंकि ये फॉल्स कॉन्ट एनीवेयर मैच है तो मैच स्टार्ट करेंगे हम लोग रिंग में, लेकिन मैं तुरंत बैकस्टेज में चला जाऊंगा OMG देने के लिए। पर इन सबसे पहले रोमन का ये न्यू वाला अटायर देख लो भाई, कसम से 2K क्यों ऐसा कर, तो ये वाला अटायर छुपा के क्यों रखा था, पर थैंक्स टू मॉडिंग कम्युनिटी उन्होंने बहुत ही जल्दी अनलॉक कर दिया। और हाँ, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि नए वाले ब्रॉक लेसनर कब आएंगे, और उनको भी मैं डाउनलोड कर लूंगा, टेंशन मत लो, एक या दो दिन के अंदर आ ही जाएंगे। ट्राइबल चीफ, अब इतना भी मत तड़पाओ, अपना नया अटायर जल्दी से फेल आर्मी को दिखा दो। आई थिंक कि थंबनेल में सबने देख लिया होगा, लेकिन अभी सामने से देखोगे ना तब असली मजा आएगा। तो फेल आर्मी, ये है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन वाला रोमन का ऑफिशियल अटायर। जब रोमन बातचीत करने आते हैं या स्मैकडाउन रॉ में आते हैं, तब ये है वो रोमन का अटायर। मुझे 2K पे गुस्सा भी आ रहा है भाई, ये वाला अटायर छुपा के क्यों रखा था बताओ। ये मतलब दो अटायर जो दिए उनमें से एक अटायर ये दे देते भाई, ये कितना खतरनाक है, देख रहे हो। अनाउंसर अनाउंस कर। The following champion versus champion contest is a Falls Count Anywhere match. Making his way to the ring, accompanied by Paul Heyman, representing the Bloodline from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds. He is the undisputed WWE Universal Champion, ना सिर्फ रोमन का अटायर फाड़ू लग रहा है, बल्कि सामंथा ने बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट करी, पूरी अपनी जान लगा दी इस गेम में। वो जो दूसरा अनाउंसर है भाई, कितनी खराब अनाउंसमेंट करता है, मतलब सामंथा ने जितनी जान लगाई है। पर फिलहाल अभी मैच पे ध्यान देते हैं, और उससे ज्यादा ध्यान देते हैं रोमन की इस न्यू अटायर पे। पर मैंने बोला ना कि इस गेम प्ले में आपको डबल मजा आने वाला है, तो बैकस्टेज में ऐसे ऐसे नए OMGs ऐड किए ना, कुछ ही देर में आपको देखने मिल जाएगा। और फेल आर्मी, ये वाले न्यू अटायर के लिए एक लाइक तो बनता है, एकदम फटाक से लाइक कर लो। और मैं तो बोलता हूँ आज की वीडियो पे भी 10K लाइक्स कंप्लीट कर दो। और याद रखना, शाम में 7:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, और लोगन पॉल की भी एंट्रेंस देख ही लेते हैं, क्योंकि ये 2K24 में फर्स्ट टाइम लोगन पॉल को देख रहे हैं। ये वाले अटायर में ऐसा नहीं लग रहा है कि रोमन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जबरदस्त लग रहा है भाई। सामंथा अनाउंस कर ही दो। लोगन भाई देख, झूठ नहीं बोलेंगे, जितना तू हंसते हुए आ रहा है ना, अभी कुछ देर में उतना रोने वाला है, क्योंकि तेरे को आज बहुत मार पड़ने वाली भाई। अलग अलग OMGs दिखाने हैं मुझे, और ये भी मैं सच बोल रहा हूँ कि तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन आज जिस हिसाब से मैं मारूंगा ना, फेल आर्मी को ऐसा लगेगा कि इससे कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि बैकस्टेज में ऐसे ऐसे OMGs दिए हैं, और ऐसा ऐसा नया नया कुछ दिया है ना, बस ये अपनी एंट्रेंस जल्दी से कंप्लीट करे भाई। तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। एंट्रेंस कंप्लीट करेगा तू, स्किप कर देने ही, चलो इतना जब देख ही लिया है तो देख ही लेते हैं इसका पूरा। फॉल्स कॉन्ट एनीवेयर में याद है ना कि दो तरह से बैकस्टेज जा सकते हैं, या तो किसी को घसीट के ले जा सकते हैं, या खुद से जाएंगे दूसरा सुपरस्टार अपने आप आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि इसको घसीट ही के ले जाएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, वो एनिमेशन मुझे देखने का ज्यादा मन है। मैं स्टार्ट करूं, रोमन तैयार है, फाड़ू लग रहे हैं, लोगन पॉल भी अच्छा ही लग रहा है, दाढ़ी थोड़ी छोटी कर दी है लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा बताया, मुझे फिनिशर्स ले लेने चाहिए थे, लेकिन बैक से जो OMG देने के लिए फिनिशर की जरूरत नहीं है, वैसे भी इसको मार मार के फिनिशर तो आ ही जाएगा। इससे पहले हम लोग बैक से जाए, 2K24 में जो काम मुझे बहुत पसंद है, वेपन फेंक के मारना बनता था इसका। पता है ये कमेंट्री टेबल तोड़ने का मन है, लेकिन मेरे पास फिनिशर नहीं, और फिनिशर आने में टाइम लगेगा। और जैसा मैंने बोला कि ये बैकस्टेज OMG की वीडियो है, तो टेबल पे थोड़ा सा हम लोग हरकत कर लेते हैं, उसके बाद मैं चलूंगा बैकस्टेज के ऊपर, ज्यादा नहीं, बस टेबल पे चढ़ के मुझे इसके ऊपर जंप मारना है। एक बार ये काम करते फिर चलते हैं बैकस्टेज। लोगन ऐसा है ना भाई, आज घर जाने से पहले तू एक्नॉलेज कर लेगा ट्राइबल चीफ को, चल अब बैकस्टेज चलते हैं। पॉली ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ बैकस्टेज, संभाल लेना यहाँ पर। पॉली मेरे साथ बैकस्टेज तो नहीं आ सकते, भली मेरे मैनेजर है, रिंग के अंदर रहता तो वो इंटरफेयर करते, लेकिन अभी ऐसा नहीं बनाया है 2K ने,
कि बैकस्टेज वो जा सके। भाई तू आराम आराम से आ। अरे अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, मैं लेके जा रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा, मुझे पहले वहां तक जाने दे। अरे पिटने वाला भाई, तू जितना मुझे मारेगा याद रखना बैकस्टेज में ऐसे ऐसे ओएमजी है ना इस बार कि तेरी हालत टाइट हो जाएगी। बहुत गलत कर रहा है भाई, अब ये गुस्से का ऐसा शिकार हो गया ना ट्राइबल चीफ का, कम से कम 3-4 फिनिशर इसको पड़ेगा। इसकी बॉडी का हर पार्ट अपनी दर्द की अलग ही दास्तान बयां करेगा भाई इस मैच के बाद, देखते रहो बस। अब इतना मार खाने वाला है ना ये, शर्म कर ले लोगन, वन भी नहीं होने वाला है तेरा। फिनिशर भी दे देंगे ना तब भी वन नहीं हो पाएगा। सचिव फिल आर्मी मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल रात से इतना खेल लिया ना कि टैप करने का इतना आदत हो गया कि वन कोई करवा ले वो भी बड़ी बात है। ऐसे वन करवा सकता है 2-3 फिनिशर देगा तो, पर फिलहाल लोगन तू चल बैकस्टेज और ओएमजी खाने के लिए तैयार हो जा। तो इस साल 2K ने क्या क्या चेंजेस किया 2K24 की बैकस्टेज में, अब देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले ये जो सोडा की मशीन दिख रही है, इसमें पहले टकराते थे तो कुछ नहीं ना होता था, लेकिन इस बार ऐसा है कि ये सोडा की मशीन काम करती है। वो जो फ्रिज टाइप का दिख रहा है ना, वो उसमें से एक कैन गिरेगा कोका कोला या जो भी सोडा टाइप का, और उससे अपन अपोनेंट को मार सकते हैं। गिरा क्या? आई थिंक कुछ गिरा एक, तो इसको उठा के पीने का ऑप्शन तो नहीं दिया है क्योंकि GTA तो नहीं है, लेकिन हाँ इससे फेंक के भी मार सकते हैं और इससे हिट कर सकते हैं अपोनेंट को। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो 2K ने थोड़ा सा स्लाइट सा चेंज किया, लेकिन अच्छा है। अभी तो बहुत कुछ है भाई, अभी तो बैकस्टेज में आए, ऐसा ऐसा चीज है ना इस साल, इससे फेंक के भी मार सकते हैं ना। आई थिंक इससे फेंक के भी मार सकते हैं। अच्छा ये सोडा ये क्या, ये देखो लुढ़क के मेरा कैन जा रहा है, जब तक मैं एक बार फेंक के नहीं मार लेता। क्या फेंक के मारा है भाई, ऐसा नहीं लगा पत्थर फेंक के मारा रोमन ने, अच्छा लगा देख कर। ये लोगन यहाँ आने से पहले मैंने बोला था ना कि बैकस्टेज में जो 3 ओएमजी दिए हैं मुझे, उन सब का बदला चुकाना पड़ेगा, तो चुकाने के लिए तैयार रहे। सबसे पहले ये टेबल तोड़ते हुए जाएगा, जब जा ही रहे वहां तक तो ये जो सामने एक टेबल पड़ा हुआ है इसको तोड़ते हुए जाते। ऐसे ये कोई नया नहीं है, ये तो हर साल था, 2K22 में भी था, 3 में भी था। इसके ऊपर अब मैं टेबल तोड़ के जाऊंगा भाई, ऐसे भी इसको मुझे टेबल पे तोड़ के गिराना ही था, क्योंकि बैकस्टेज में ऐसे 2-3 OMGs है ना जिनको सेट करने में मुझे टाइम लगेगा। तो तू थोड़ी देर के लिए सोया रहा भाई, टेबल तोड़ने के बाद उठना मत कुछ देर तक। एक और जो टेबल है उसका मुझे काम है, अब आप सोचो कि उसका क्या काम है, मैं बताऊंगा नहीं। अभी आप देखो इसका क्या काम है, मुझे बहुत ही जबरदस्त काम है और बहुत ही मजा आएगा। ये इस साल की बैकस्टेज में ना मुझे सबसे जबरदस्त OMG लगा है, बस ये टेबल लेके दौड़ने का पता नहीं क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है। कोई नहीं चल के मुझे पार्किंग लॉट में जाना है, और वहां पर क्या रखा हुआ है ये अभी देख लेना, कुछ ही देर में देख लेना। बस मुझे ये बुरा लग रहा है कि ये टेबल उठा के मैं बैकस्टेज में दौड़ क्यों नहीं सकता। अच्छा ये पता है ना कि इस साल बैकस्टेज में फैटल 4-वे, फैटल 5-वे ये सब मैचेस भी कर सकते हैं। पहले क्या था कि हमेशा 1-on-1 होता था ना, तो चलो मेन जगह जहां मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गया हूं, और आपको जैसा दिख रहा है कि एम्बुलेंस, तो बहुत लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन बहुत लोग नहीं समझोगे तो कुछ देर वेट कर लो। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, एम्बुलेंस के नीचे मुझे टेबल सेट करना है। नहीं अच्छा जगह सेट नहीं हुआ ना, रुक जाओ बस, ये जो मेरे ओएमजी के बीच में लोग परेशान करते रहते हैं ना, रुक जाना भाई, तेरे ऊपर ही कांड करना है। एक बार तेरा इंतजाम मार खाई की मानते हैं कुछ लोग, बस रुक जा, टेबल मुझे इसके नीचे सेट कर दे। तो भाई अभी जो ओएमजी निकल के आने वाला है ना जबरदस्त टाइप का है, पर उसमें लोगन की मदद चाहिए, लोगन ऊपर आ जा। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, और बहुत ही जबरदस्त बनाया पता है, एम्बुलेंस के ऊपर पूरा फाइट कर सकते हो, और ये भी अच्छी बात है कि इसके ऊपर खड़े हो कि आप स्टाइल भी मार सकते हो और सिग्नेचर फिनिशर भी दे सकते हो। लोगन जल्दी आ जाओ ऊपर भाई, बहुत काम है अभी, अभी बैकस्टेज में और बहुत कुछ दिखाना है। गलती से मैं उतर गया, लोगन को ऊपर लाने के चक्कर में भाई नीचे मत उतरना, मैं आ रहा हूँ। तो ये जो इतना मैंने गेम सेट किया ना, ऐसा नहीं हो कि लोगन मेरे साथ कांड कर दे। लोगन नहीं भाई, सिग्नेचर खा ले ताकि तू थोड़ा वीक रहे, और जो मैं कांड करवाने चाह रहा हूँ ना अभी गिव अप थोड़ी करवाना है, हट, अभी तो इसके ऊपर बहुत कांड करना है। बोला ना दर्द की कहानी बयां करेगा इसका एक एक पार्ट। चल नीचे जाने के लिए तैयार ना। तो इस साल के बैकस्टेज में सबसे खतरनाक OMG ये लगा है मुझे, तो ना सिर्फ एम्बुलेंस से फेंक किसकी फाट लगाई बल्कि डबल डोज भाई, डबल डोज। अब बोलो पिनफॉल तो आराम से हो जाएगा, लेकिन पिनफॉल नहीं करना है। तो सबसे पहले ये जो जंप मारा है ना, इसका एक्शन रिप्ले देखो, और इसके बाद अभी और भी बहुत कुछ नया है वो भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। लोगन मेरी गलती नहीं, मैंने वॉर्न किया था वहां रैंप पे कि मत मार, बैकस्टेज OMG वाली वीडियो मैच वाली वीडियो नहीं है। मैच वाली वीडियो में मारता तो मैं कुछ नहीं बोलता, वो तो ठीक है, लेकिन ये OMG देने दे, लेकिन नहीं माना नहीं तो आ जा। तो सामने जो दो कार्स नजर आ रही है ना, इसमें भी नए नए OMGs कुछ डाल दिए 2K ने, और एक मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे दो हैं जिसमें से एक तो पुराने ही वाला है, लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। लोगन तेरी इतनी बैंड बच गई, लेकिन अभी भी सुधरा नहीं ना, ठीक है
अभी सुधर जाएगा, इस मैच के बाद सुधर जाएगा लड़का, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रिलिंक्विश करके चला जाएगा, एटलीस्ट गेम के अंदर तो रिलिंक्विश कर ही देगा। तो कार अरे रे 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 रिवर्स करके पिनफॉल, शर्म कर ले, वन भी नहीं होने जा रहा है, चला जा, ओएमजी दिखाने देगा तू, नाटक पे नाटक कर रहा है, कोई फायदा नहीं है भाई, देखो जीतने वाला तो है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, खुश हो जा थोड़ी देर अभी। और इसका क्या क्या बॉडी पार्ट बच गया है, हाथ और पैर बचे है ना, वो तो अच्छा हुआ कि ये रिवेंज मैच नहीं है, मुझे ओएमजी देना है इसलिए तू बच गया, यानी कि इसके हाथ पैर बच गए, बाकी अभी देखो ना नए नए जो ओएमजी से वो देना ही है इसको। पहले कार वाला जो बोनेट पे ओएमजी है वो नॉर्मली लगा, अच्छा है देखने में, अच्छा लग रहा है, दिया नहीं, रुक जाओ एक सेकंड, और सामने से ले जाके इसको ग्रैपल करके पावर बॉम्ब की स्टाइल पे ले जाके देना होगा, लेकिन जो एक और ग्लास वाला, अरे मनहूस, इसका बस नहीं चल रहा है, ये कैसे पिनफॉल करवा के काम खत्म करवा के निकले भाई, दो दो फिनिशर है मेरे पास, एक लगा ही देता हूँ इसको, पता है अब मुझे गुस्सा आ रहा है, स्टंट रहेगा ना तो एम जी खा लेगा आराम से, तो स्पीयर खा ही ले अब, तो क्योंकि भाई साहब अब स्टंट है तो अब तो थोड़ी देर कुछ नाटक नहीं करेगा, लेकिन फिर करेगा कुछ देर में, पर फिलहाल एक जो बोनट वाला ओएमजी है फटाक से दिखा देते हैं, क्योंकि अभी भी चार पांच नए नए चीज बचे हुए हैं, तो ये ओएमजी मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये पिछले साल भी था, ऐसा कुछ नया नहीं है, बाकी ये ठीक ही ठाक है, पर जो ये वाला है ग्लास टूटने वाला है वो देख लो आप, ये जबरदस्त लगा मेरे को। लोगन देख भाई इतना मार खा लिया ना कि ड्रामा मत करना, चुपचाप सभी ग्लास तोड़वा लो, उस पर जो करना है करते रहना, हाँ ये बहुत अच्छा है भाई, ग्लास टूटने वाला, पता नहीं पहले क्यों नहीं बनाया था, चलो देर आए दुरुस्त आए, और जो पीछे एक और जो रेड कार है ना उसके भी आप ग्लासेस तोड़ सकते हो, लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी का एक और ग्लास तोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तोड़ने ही से ना मतलब है, तो दोनों ही स्टाइल में आप ग्लास तोड़ सकते हो, बस कार के सामने ले जाना है और स्क्वायर दबा देना है, तो अभी क्या लग रहा है कि खत्म हो गया ओएमजी का सिलसिला, ना 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 भाई अभी भी बहुत नया नया कुछ है, तो ऐसे ये दिखाने की जरूरत नहीं, ये लास्ट ईयर भी था, लेकिन चलो दिखाई देता हूँ कि कार के ऊपर चढ़ के आप जंप वंप मार सकते हो लास्ट ईयर की तरह। अब फटाक से जो नया नया चीज है, जो कि डस्टबिन, मैंने बहुत बोला था 2K23 की वीडियो में कि डस्टबिन आ गया है, और डस्टबिन से कुछ नया नया काम आप कर सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, डस्टबिन कहाँ है, यही कहीं रखा हुआ है, हाँ मिल गया, उसके साथ कूड़े का पैकेट भी है, पर कूड़े के पैकेट को नहीं उठा सकते, पर चलो अच्छा लगा मुझे कि डस्टबिन वापस आ गया। पुराने गेम में याद है डस्टबिन रहता था और डस्टबिन पहना देते थे अपन सुपरस्टार को, इसमें पहना तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक मूव डाल दिया है 2K ने जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, लोगन नाटक करेगा, लोगन भाई समझ ना, दो तीन और नए नए चीज बचे हुए दिखाने दो, उसके बाद तू चल एक दो फिनिशर दे देना, मैं मना नहीं करूंगा, ऐसे भी इसके पास एक आध फिनिशर आ ही गए। इसका फिनिशर क्या था, फ्रॉग स्प्लैश, जो कि ये बैकस्टेज में तो नहीं दे पाएगा, लेकिन फिलहाल ये ले, तो डस्टबिन रख के उसमें पटकते से 1 किलोमीटर दूर आदमी फेंकाता है, लेकिन डस्टबिन को ऐसे आप सेट नहीं कर सकते हो, तो डस्टबिन को लेके जाना है सुपरस्टार के सामने, और वो वही लात मारने वाला बटन दबाओगे तो ये काम करेगा। वैसे ये डस्टबिन वाला अटैक कोई बैकस्टेज ओएमजी मोमेंट नहीं है, लेकिन चलो इसको बैकस्टेज में कर सकते तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अभी बैकस्टेज के दो ऐसे ऐसी चीज बचे हुए, दो नहीं एक्चुअली तीन, जिसमें से एक पुराना है दो नया है, तो लोगन पॉल जल्दी आ जा भाई इधर, इसको उठा उठा के लाने का जो झंझट है ना। तो ये ग्लासेस याद है लास्ट ईयर मैंने बोला था कि भाई ये ग्लासेस तोड़ने का ऑप्शन क्यों दे देते हैं 2K, तो 2K ने लगता है कि सुन लिया है और ग्लासेस तोड़ने का ऑप्शन दे दिया है, तो ये ऑफिस में जितने भी ग्लासेस लगे हुए सबको एक एक करके तोड़ सकते हैं, लोगन मेरे पर मत तोड़ देना, आ जा फटाफट तोड़वा ले, ऐसे फिनिशर से तोड़ते स्पीयर देखे तो और झकास लगता, लेकिन नॉर्मली तोड़ा के तोड़ सकते हैं, वैसे देखने में अच्छा लगता है। और जो देख रहे हो ना 2K धीरे धीरे करके बैकस्टेज को और इम्प्रूव करते जा रहे हैं, ये जितने भी ऑफिसेज है ना मुझे लगता है कि इनके अंदर भी बाद में जा पाएंगे, पर फिलहाल 2K ने एक आने जाने का अच्छा बंदोबस्त कर दिया है, और वो बंदोबस्त आप लोगों ने आई थिंक पहले देख लिया होगा, लेकिन चलो मैं भी दिखा देता हूँ, वो बंदोबस्त है भाई लिफ्ट, लिफ्ट का इंतजाम कर दिया है 2K ने, लोगन आ जा भाई, इसको मारने में झंझट नहीं, इसको बस ओएमजी के लिए सेट करवाने के लिए ना एक अलग झंझट है, ऐसे ये कोई ओएमजी नहीं है, बस ये बैकस्टेज का एक नया चीज है, ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इंतजाम कर दिया भाई लोगन, लिफ्ट के अंदर लेकिन फाइट नहीं कर सकते भाई, ये अच्छा नहीं बनाया भाई, लिफ्ट के अंदर फाइट भी, अब नेक्स्ट जो गेम आएगा ना मुझे लगता है उसमें लिफ्ट के अंदर फाइट भी कर पाएंगे, फिलहाल लिफ्ट से ऊपर नीचे कर सकते हैं, धीरे धीरे GTA बनाते जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कुछ गेम के बाद यहाँ जो कार्स और एम्बुलेंस रखी ना वो भी चलाने का ऑप्शन आ जाएगा। ओए इसने लिफ्ट के अंदर मुझे मारा जबकि अलाउड नहीं था, मुझे पता नहीं था, वहां सही है, और जो लिफ्ट के अंदर दोनों जाते हैं फाइट करते हुए, निकलेंगे ऐसे कि जैसे दोनों की दोस्ती चल रही है, क्योंकि थोड़ा एनिमेशन इंप्रूव करना होगा, जैसे कि जो मार खा रहा है वो मार खाते हुए नजर आए, और लिफ्ट के अंदर कोई तो कुछ करेगा, ये सब अब नेक्स्ट ईयर करेंगे 2K, अब इस साल इतना कर दिया काफी है, फिलहाल जो नीचे एक स्पॉटलाइट रखा हुआ है उसको तो तोड़ना ही है भाई, जब ऊपर आ ही गए तो ये वाला ओएमजी भी कर ही लेते हैं, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हुई
तो वो जो स्पॉटलाइट दिख रहा है उसके अंदर मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो रेलिंग इसको तोड़ना पड़ेगा लोगन को नीचे भेजने के लिए। और 2K ने रेलिंग तोड़ने का ऐसे कोई फिनिशर विनिशर का सिस्टम नहीं बनाया, बस ये जो रेलिंग इस पे ढकेलते रहना है और ये टूट के अपने आप गिर आएगा, इतना भाई कमजोर है। पर चलो अच्छा ही है, तीन या चार, अरे गलत जगह चला गया लोगन भाई, इधर आ जा और एक आध फिनिशर खा ही ले तू। तो फिनिशर खाएगा ना, उसके बाद OMG सही से खाता है तू, ठीक है। इतना मार खा गया, ऐसे मुझे भी मार ही दिया भाई धीरे धीरे करके, हेड ऑरेंज बॉडी येलो कर ही दिया है। चल भाई नीचे आने के लिए तैयार। अब दो चीज इसमें कर सकते हैं, या तो पावर बॉम्ब के स्टाइल में इसको नीचे फेंक सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं ना कि वो वाला स्टाइल पहले ही एम्बुलेंस में कर लिया है, तो अब ना इसको दौड़ा के नीचे फेंकते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। पर इसमें भी यही है कि दो तीन बार दौड़ाऊंगा तब ये नीचे जाएगा। तो लोगन जब सारे OMG खा लिए तो ये वाला भी कंप्लीट करवा ही दे, मेरे ऊपर मत तोड़ देना, देख रहे हो ना गलत टाइम पे ये रिवर्स करने लगता है। मतलब इसको दो बार मैं ऑलरेडी धक्का दे चुका हूँ, हो सकता है कि अगर ये तीसरी बार मुझे धक्का दे तो मेरी वाट लग जाए। भाई करना क्या चाह रहा तू नीचे, और मैं नीचे फेंकने के चक्कर में इसने तो फिनिशर चिपका दिया, वन भी नहीं हुआ, शर्म कर ले। अब तू नीचे जाएगा और बुरी तरह से नीचे जाएगा, फिनिशर देने के इसको माने, लेकिन ना 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 फिनिशर दिए बिना इसको नीचे भेजूंगा मैं। मन तो था कि इसको नीचे ही तोड़ाऊं, लेकिन पावर बॉम्ब वाले स्टाइल में चेक कर लेता हूं, पता है इसी में नीचे चला जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। देख लो इसमें ऐसे नहीं जा रहा, अब ये धक्का ही खा के नीचे जाएगा, कोई नहीं अच्छा ही है लोगन, मस्ती नहीं, सारे OMGs कंप्लीट हो गए, अब नीचे जा गेम खत्म भी करना है। नीचे देखो नाटक किया जा रहा है, एक बार और, एक बार और, इस बार होगा, पक्का होगा, जोर से आयरिश व्हिप करूंगा ना, तिल ने किया लोगन, बहुत सही है। तो ऑब्वियसली लोगन पॉल का पिनफॉल तो हो ही जाएगा भाई, बाहर आ जा, पिनफॉल तेरा करवा लेता हूँ, खत्म करता हूँ, पर इसको एक स्पीयर चिपका ही दूंगा क्योंकि चांसेस है कि शायद किक आउट कर दे। मैं आ रहा हूँ लोगन, नीचे कूदने का पता नहीं क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा है, ट्राई कर रहा हूँ मैं नीचे कूदने का यहाँ से। भाई एक काम करते हैं, सीढ़ी से उतर जाते फिलहाल के लिए, लोगन का पिनफॉल करवा लिया जाए क्या, इतने तो OMGs खा के भी खड़ा हो गया। अच्छा एक स्पीयर खाएगा अब तो पिनफॉल हो ही जाएगा ना। हाँ ये देखो क्या क्या नाटक किया जा रहा है, हल्क हॉगन को कॉपी कर रहा है भाई, फिनिशर खाली गेम अब खत्म कर। अब नहीं, हो गया तेरा जितना होना था, अब चल गया तेरा, अब ये सब नाटक नहीं, मस्ती करनी स्टार्ट कर देना लोगन भाई, एक फिनिशर की बस तेरी कहानी है, चल अब कहानी खत्म। गिलिटिन लगाओ या स्पीयर, स्पीयर ही देता हूँ भाई, जल्दी से पिनफॉल होगा, गेम खत्म होगा। रेफरी खत्म कर, मैच खत्म कर, लोगन का चैप्टर खत्म कर। रेफरी अगर पिनफॉल नहीं ना हुआ फिर देखना। लोगन ने रेजिलियंस यूज कर ली भाई, गलत टाइम पे यही करता है। अच्छा आज क्योंकि OMG वीडियो, तो रेफरी को टारगेट करके एक सुपरमैन पंच लगा ही देते हैं, ये भी एक OMG मोमेंट होगा। रोमन के मैच में रेफरी गिरेगा सुपरमैन पंच खा के, तो ये टारगेट करने का सिस्टम 2K ने दे दिया कि रेफरी को टारगेट कर सकते हो आप, और अपने मैनेजर को, अपने खुद के मैनेजर को टारगेट करके मार सकते हो, तो अब तो डेफिनेटली ये खत्म ही है। एक फिनिशर और लगाऊंगा, इसका चैप्टर खत्म। फिनिशर भी आई थिंक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुड लक के लिए एक फाइनल फिनिशर। और रेफरी अगर अब इस बार पिनफॉल नहीं ना हुआ तो याद रखना फिनिशर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सुपरमैन पंच के बाद अब स्पीयर पड़ेगा पिनफॉल नहीं हुआ तो। अच्छा ये नोटिस किया कि पुराने गेम में रेफरी मार खा के धीरे धीरे पिनफॉल करता था, लेकिन इसमें फटाफट कर दिया, डर देख रहे हो रोमन का। तो ये थे सारे बैकस्टेज के न्यू OMG फेल आर्मी। तो जाने से पहले कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा OMG मोमेंट आपको कैसा लगा, और रोमन का ये न्यू अटायर कैसा लग रहा है। और जैसे मैंने बोला ही कि आज शाम में मैं फिर से 7 बजे लाइव आने वाला हूँ, तो 7 बजे की लाइव के लिए तैयार रहना, और वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लेना, 10K लाइक्स इस पे भी कंप्लीट कर ही दो। तो चलो फेल आर्मी में मिलता हूँ आप लोगों से शाम में 7 बजे, टाटा।